एक छोटी सी अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नीट एस्परेंट्स हैं लेकिन वो सी बी एस ई के एग्जाम के लिए मदद ले रहे हैं डमी स्कूल्स का तो इस बार सी वालों ने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिकनेस दिखाई है डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट अभी कुछ रिसेंट नहीं आया है बहुत टाइम से चलता आ रहा है इनफैक्ट वेन आई वॉज अ स्टूडेंट तब से डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट चल रहा है डमी स्कूल बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बच्चा सिर्फ अपने आप को एनरोल करा देता है एक सी बी अफिलेटेड स्कूल से उसके बाद द किड इज़ नॉट अटेंडिंग द स्कूल फॉर द एंटायर ईयर फॉर द एंटायर टू ईयर्स इनफैक्ट कई बच्चे खुद को 11th में एनरोल करा लेते हैं एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर एग्जाम्स फॉर द कॉम्पिटिशंस दैट इज जेई एंड नीट तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद इस बार आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऐसे स्कूल्स का हो सकता है सीबीएसई से नाम काट दिया जाए उनका लाइसेंस वापस ले लिया जाए सो so, ऐसा क्यों हुआ है वी कैन सी दिस फ्रॉम द प्रेस रिलीज व्हिच वाज डन बाय द सीबीएसई एंड इट शोज दैट ट्वेंटी सेवन ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें इस तरह की मैल प्रैक्टिस देखी गई है दिज वॉर इन राजस्थान एंड डेली सो बेसिकली सी बी एस ई ने इस बार क्या किया है इट हैज़ इनिशेटेड स्ट्रॉग एक्शन आफ्टर इट सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्टेड एट ट्वेंटी स्कूलिएटेड विद बोर्ड इन राजस्थान एंड इन सिटी ऑफ डेली जहाँ पे स्टूडेंट्स इस इन इंस्पेक्शंस के दौरान ये देखा गया है बहुत सारी वायलेशन हुई है बोर्ड बायलॉज को लेके, जहाँ पे देर वॉज नो एनरोलमेंट नो प्रॉपर अटेंडेंस एनरोलमेंट थी लेकिन उन बच्चों की अटेंडेंस नहीं थी 75 फाइव परसेंट अटेंडेंस इज कम्पल्सरी एज़ पर दी बी एस ई रेगुलेशन बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था इवन यहाँ पे अटेंडेंस की जो प्रैक्टिस चल रही थी बिल्कुल सी बी एस सी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी इट वॉस नॉट ओबेग दैमस्पेक्शन ऑफ इन क्लास इलेवंथ एंड ट्थ सो ऐसे स्कूल्स क्या करते हैं उनके फिजिकली बच्चे नहीं होते हैं दस से ग्यारह बच्चे उनके क्लास में बैठे होंगे ठीक है इफ़ आई टॉक अबाउट योर बायोलॉजी और अगर uh, आपके नॉन मेड नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं तो चालीस मैक्स टू मैक्स फोर्टी फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स होते हैं बट ऐसे स्कूल्स डेढ़ सौ ढाई सौ ऐसे ऐसे नंबर ऑफ़ किड्स को अनरोल कर लेते हैं हाई प्राइस चार्ज करते हैं उनको सो दिस इज़ लाइक अ बिज़नेस दिस इज़ लाइक अ बिजनेस इन इन एजुकेशन एंड आई थिंक वी ऑल आर अवेयर नीट एस्पिरेंट्स को सबको पता होता है ना इस चीज़ के बारे में डमी स्कूल कॉन्सेप्ट के बारे में तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये कॉन्सेप्ट बट सी बी एस ई फाइनली जागी है आफ्टर अ लॉर्ड ऑफ पटिशंस बीइंग फाइल्ड अबाउट इट एंड नाउ दिस टाइम दिस टाइम द सी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन रिस्पॉन्स टू दिस फाइंडिंग सी बी एस हैज़ इशूड टू शो केस नोटिस टू ट्वेंटी सेवन स्कूल जिसमें से ट्वेंटी टू वर फ्रॉम डेली रीजन एंड फाइव फ्रॉम द अजमेर रीजन स्कूल टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन अभी स्कूल को इन सभी चीजों पर क्लैरिफिकेशन देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है ना दिस कैन दिस कैन दिस कैन दिस टाइम आप ऐसे अगर जो भी बच्चे होने वाले अगर आप उनमें से है अगर आप भी डमी स्कूल का पार्ट है तो दिस कैन बी रियली टफ फॉर यू दिस टाइम इसका बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं आपके अकेडमिक ईयर में सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड अगर आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है एंड यू आर सिंपली गोइंग टू योर स्कूल एंड यू आर अटेंडिंग द स्कूल विद योर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अटेंडेंस तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप ड्रॉपर है तो तो देन यू आर आउट ऑफ दिस लीग या दैट वॉज ऑल थैंक यू सो मच स्टे यून टू दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स थैंक यू सो मच एंड बाय